हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले क्लोज रेंज के ऊपर। तो भाई मैंने ज़्यादातर बंदों को ये गलती करते हुए देखा हूँ कि वो लोग जो है क्रॉसर प्लेसमेंट सही से नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेरा क्रॉसर जो है थोड़ा सा नीचे है, तो भाई मेरा स्कोप जो है एनिमी के थोड़ा लेफ्ट में निकल जाता है, लेकिन मुझे तो एनिमी के ऊपर एम करना था। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इधर से उधर तक ग्रैब कर लेता हूँ, लेकिन उसमें तो थोड़ा टाइम तो लगता है, उतना टाइम में तो एनिमी मुझे मार के पेटी भी बना देगा भाई। तो भाई इसको ओवरकम करने के लिए आपको हेड लेवल पे क्रॉसर रखने का आदत डालना पड़ेगा, और ट्राई करो कि आपका एक क्रॉसर जो है वो एनिमी कहाँ से आ सकता है। मतलब मुझे अब एनिमी का पोजिशन पता है यहाँ से आएगा, तो मैं क्रॉसर जो वहाँ पे ही हेड लेवल पे रख के जा रहा हूँ, ताकि मेरा हेड शॉट भी कनेक्ट हो जाए और फास्टर एमिंग भी रहे। तो भाई आपको लगेगा भाई इससे क्लोज रेंज को क्या लेना देना है, ये तो मिड रेंज फाइट है। तो भाई देखो, अगर मेरा सामने का बंदा कोई पीपीपी ले रहा है, मतलब वो बाहर ही नहीं आ रहा है, मुझे क्या मैं क्या कर रहा हूँ देखो, क्रॉसर जो है हेड लेवल पे रख के उसके पास जा रहा हूँ, ताकि वो बंदा कभी भी बाहर है मैं उसे हेड शॉट कनेक्ट कर पाऊँ। भाई एक तो याद रखो, क्लोज रेंज में ना भाई हेड पहले कौन कनेक्ट करता है वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हेड शॉट का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बॉडी। तो छोड़ो भाई, ये तो सबको पता है हेड शॉट का डैमेज ज़्यादा होता है, लेकिन भाई मेन पॉइंट आती है यहाँ पे जिगल का। भाई देखो यहाँ टीवी क्लियर है बंदा, तो भाई आप जाएंगे सीधा, हर एक बंदा क्या करता है इधर राइट साइड टीवी प्ले या लेफ्ट साइड टीवी, वो हमेशा लेफ्ट से ही जिगल स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, अगर आपका कोई बंदा लेफ्ट साइड टी वी ले रहा है, तो आप क्या करो, राइट साइड से जिगल स्टार्ट करो। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको बॉडी जो है कम एक्सपोज होता है, एक वहाँ पर तो हमें करना है डैमेज जो अंदर हो। तो भाई हमेशा याद रखो, डैमेज जो अंदर हो का मतलब होता है आप डैमेज देते ही अंदर आ जाओ। मतलब इधर क्या हो रहा है देखो, डैमेज दो बाहर जो हो रहा है। तो भाई सुनो, कोई बंदा लेफ्ट में टीपी पे ले रहा हो, तो आप हमेशा राइट से जिगल स्टार्ट करो, और कोई बंदा राइट में टीपी पे ले रहा है तो लेफ्ट से जिगल स्टार्ट करो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, फास्ट जिगल मैटर करता है कि नहीं। तो भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, तो भाई देखो मुझे लगता है कि फास्ट जिगल से मेरा एम जो है बहुत चौक होता है, मतलब बुलेट स्प्रेड ज़्यादा रहता है। तो भाई मैं प्रेफर करता हूँ, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं स्लो जिगल दूँ या वन साइडेड जिगल दूँ, जिससे मेरा बुलेट स्प्रेड जो है कम रहे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फास्ट जिगल बेकार है, उसका भी अलग ही क्रेज है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इन दोनों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फास्ट जिगल से। अब आते हैं तीसरी पॉइंट पे, तो भाई हमेशा ट्राई करो कि आप फाइट जो है राइट से ले सको। कभी कभार सिचुएशन ऐसा हो जाते हैं कि आपको लेफ्ट से फाइट लेना ही पड़ेगा, लेकिन अवॉइड करने का ट्राई करो, क्योंकि हम उतना अच्छा फाइट नहीं ले सकते लेफ्ट से कंपेयर टू राइट, क्योंकि आपका इन गेम कैरेक्टर जो है वो गन राइट हैंड से में होल्ड करता है,